नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स आपका सुबह 5 बजे दोनों ही चैनल पर आता है, तो अगर आप किसी भी एक चैनल पर देख लेते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चों के प्रश्न थे कि सर उधर अलग पढ़ा रहे हैं इधर अलग पढ़ा रहे हैं, नहीं जी, एक ही वीडियो है जो दोनों जगह अपलोड होता है। आपके पास जिस चीज़ की भी एक्सेस हो आप आराम से उसको पढ़िए। तो फिलहाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एनएसएफ के डायरेक्टर चुने गए हैं, एनएसएफ के निदेशक चुने गए हैं, और ये दूसरा ऐसा मौका है जब किसी भारतीय को इस पद के लिए चुना गया है। एनएसएफ क्या है? नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये यूएसए यानी कि अमेरिका की सर्वोच्च विज्ञान संस्था है जो कि उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आती है, और इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज तारीख है 23 जून और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखना मत भूलिएगा, लेकिन उसको पहले शेयर करना मत भूलिएगा और फिर लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए पहली जानकारी की तरफ चलते हैं। तो ये है सेतु रमन पंचनाथन। कुछ समय पहले ही इनको एनएसएफ में एज ए मेंबर चुना गया था और फिर उसके बाद ये एनएसएफ के अब निदेशक चुने गए हैं। अमेरिकी सीनेट, ये इतना महान पद होता है, इतना बड़ा पद होता है कि इसके लिए अमेरिकी सीनेट की मंजूरी चाहिए होती है, यानी कि सांसदों की मंजूरी चाहिए होती है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आईआईएससी बैंगलोर से इन्होंने बीटेक किया था, फिर उसके बाद आईआईटी मद्रास से इन्होंने एमटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद देश के सर्वोच्च पदों से होते हुए ये एनएसएफ पहुंचे। हाल फिलहाल ये आपके जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे और उसके बाद ये एनएसएफ में पहुंचे हैं। तो ये फ्रांस कार्डोवा का स्थान लेंगे जो कि अभी तक वर्तमान समय में आपकी एनएसएफ की डायरेक्टर जनरल थी, अब ये उनका स्थान लेने वाले हैं क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो 6 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और ये 15वें निदेशक के तौर पर जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग है, परेशान नहीं होंगे। ये 15वें निदेशक के तौर पर, 15वें निदेशक जो इस संस्था के हैं वो आपके डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन है। 6 जुलाई को उनके कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। पंचनाथन दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिसे प्रतिष्ठित विज्ञान पद के लिए नामित किया गया है। इससे पहले डॉक्टर सुभ्रा सुरेश हैं जिन्हें अक्टूबर 2010 से लेकर मार्च 2013 तक एनएसएफ में एज ए डायरेक्टर जनरल सेवा की थी। नेशनल साइंस फाउंडेशन एक शीर्ष अमेरिकी निकाय है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के गैर चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान का समर्थन करता है। आप ये ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है। तो डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन बन गए हैं एनएसएफ के निदेशक। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी भी उत्साह बढ़ाने वाली है कि हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में या एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे निफ्टी भी कहा जाता है। तो भारत के पहले सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों का ओवरऑल टर्नओवर को मिलाकर, यानी कि उनका जो भी बाजार है, मार्केट कैपिटल है, उस सभी को मिला लिया जाए तो दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों के बीच में अपनी जगह बना ली है। 10वें नंबर पर बीएसई का नंबर आ गया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बीएसई सूची में 10वें स्थान पर है जिसका बाजार पूंजीकरण $1.7 ट्रिलियन है। इस सूची में नंबर 1 पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है NYSE जो $19.3 ट्रिलियन के मूल्यांकन के साथ सबसे ऊपर है, और इसके बाद नेस्डेक का नंबर आता है जो कि वो भी यूएसए का है और इसका बाजार पूंजीकरण $13.8 ट्रिलियन है। बाजार को संभालने के लिए या स्टॉक एक्सचेंज को संभालने के लिए, स्टॉक में आप सीधे से, आप सभी को पता होगा यहाँ पे शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। जो भी कंपनियां यहाँ पर सेंसेक्स में या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती हैं वो अपने शेयर खरीद फरोख्त करती हैं, इसके जरिए वो पैसा जुटाती हैं और फिर वो व्यापार करती हैं। इन सभी को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ सेबी मुख्यालय है। सेबी जो है, सेबी के वर्तमान समय में आपके जो हेड हैं वो अजय त्यागी जी हैं, वो इसको संभालते हैं। और सेबी से जुड़ी हुई एक जानकारी अभी कुछ दिन समय पहले आई थी कि बबीता रायडू, जिनको अभी हाल ही में सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना गया है, ये अपॉइंटमेंट वाला ये जो प्रश्न था ये आपका सीजीएल में पूछा गया था। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भारत का सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन पूंजीकरण के मामले में इसे सबसे बड़ा करेंगे। व्यापार के मामले में तो एनएसई ज्यादा बड़ा है, वो ज्यादा कंपनियों के साथ व्यापार करता है, लेकिन जो पूंजीवाद है, जितना कैपिटल है, तो कैपिटल की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कैपिटल बीएसई के पास है भारत में, और ये विश्व के 10वें नंबर के स्टॉक एक्सचेंज के रूप में नामित हो गया है। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये हैं आपके निकी पुनाचा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने उन खिलाड़ियों की सूची घोषित की है जिन्हें आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुना गया है।
भारत के निकी पुनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर में पुरुष के पैनल में एक खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है। पुरुष और महिला पैनल क्रमशः मार्क वुडफोर्ड और मैरी पियर्स के नेतृत्व में होंगे, जो ITF निदेशक मंडल में एथलीट प्रतिनिधि हैं। पुनाचा को एशिया ओशिनिया क्षेत्र से चुना गया है। दो खिलाड़ी एशिया ओशिनिया क्षेत्र से चुने गए हैं, जिनमें 62 वोटों के साथ ये सर्वोच्च स्थान पर आए हैं, जबकि 14 वोटों के साथ ताइपे के टी चेन एशिया ओशिनिया क्षेत्र से चुने जाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। तो निक पुनाचा किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया है जो ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल में चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक शिवालिक की पहाड़ियों में हाल ही में हाथी का 50 लाख साल से भी अधिक पुराना जबड़े का जीवाश्म मिला है। इसे स्टेगोडॉन भी कहते थे। स्टेगोडॉन उस तरह के हाथी हुआ करते थे जिनके दांत बहुत लंबे होते थे, 10-10 12-12 फीट के, और इसे विश्व के विशालतम हाथी में कहा जाता था। ये डायनासोर के जमाने में रहा करते थे। सीधी भाषा में वन विभाग और विश्व वन्य जीव कोष के सर्वेक्षण पर यह जीवाश्म हिप्पोपोटामस और डायनासोर के समकालीन हाथियों के स्टेगोडॉन प्रजाति का है। मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि जो कि 50 लाख पहले स्टेगोडॉन के दांत होते थे वे 12 से 18 फीट लंबे तक होते थे और जो आज विलुप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह दुर्लभ हाथी दांत है और इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य है। ये मतलब कोई कीमत नहीं है, शायद शब्द सही से नहीं लिखे गए। कोई कीमत नहीं है मतलब इसकी कोई भी आकलन नहीं कर सकता कि इसकी कीमत कितनी है। ये इतना अमूल्य है, ये एक धरोहर है एक तरह से। तो हाल फिलहाल कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की उम्र की पता चली है और आपको पता है कि कार्बन डेटिंग के जरिए ही जो पुराने जीवाश्म होते हैं उनकी उम्र का पता लगाया जाता है। कार्बन अर्धायु काल वगैरह ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मिला है हाथी का 50 लाख साल से भी अधिक पुराना जीवाश्म। अगली जानकारी है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूसी विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय यात्रा के लिए कल रूस रवाना हो गए। वह भारत और रूस की रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। और एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि विदेश मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है RIC, जो कि 23 जून को होने वाली है और आज ही ये बैठक होगी। RIC यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है जिसमें त्रिपक्षीय वार्ता होगी। इसमें इंडिया और चाइना के बीच का जो सीमा विवाद है उसको उठाया नहीं जाएगा। यहां पर जो वार्ता होनी है वो COVID-19 से जुड़े हुए मसलों पर होनी है। इसके बाद रूस अपना 75वां विजय दिवस मनाने जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध की याद में, और इसके लिए उसने भारत की सैन्य टुकड़ी को भी आमंत्रित किया था और इसी कारणवश आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रूस की यात्रा कर रहे हैं। रूसी विजय परेड 24 जून 2020 को आयोजित की जाएगी। इस वर्ष की विजय परेड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाई जा रही है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई सोगू ने भारतीय रक्षा मंत्री को विजय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। भारत की मार्चिंग टुकड़ी जो परेड में हिस्सा लेगी का नेतृत्व वीर सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक बड़े रैंक के अधिकारी करेंगे। रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी वीरता के साथ लड़ाई लड़ी थी और इससे अन्य वीरता पुरस्कारों में 4 बैटल ऑनर्स और 2 मिलिट्री क्रॉस अर्जित किए थे। तो हाल फिलहाल रूस अपना जर्मन नाजी को हराने के, रूसी सेना द्वारा जर्मन की जो नाजी सेना थी उसको हराने के उपलक्ष्य में 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध देश का अंतिम विश्व युद्ध था और हो सकता है आगे भी रहे। तो हाल फिलहाल ये विश्व युद्ध था, इसको World War II के नाम से भी आप जानते हो। 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला था। ये अधूरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया युद्ध था और ये अकेला ऐसा विश्व युद्ध था जिसमें परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो हाल फिलहाल आपके जो रक्षा मंत्री हैं वो जा रहे हैं रूस। अगली जानकारी है, खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना। एथलीटों को जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने में पूर्व खेल चैंपियनों की विशेषज्ञता और अनुभव का दोहन करने के लिए खेल पारिस्थितिकी तंत्र में उनके आय का निरंतर एक स्रोत बना रहे और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूरे देश में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है। खेलो इंडिया सेंटर किस लिए स्थापित किया है? इनका मेन मोटिव यह है कि हमारे खिलाड़ी जो जब उनकी उम्र होती है, जब उनके अंदर शरीर में क्षमता होती है तब तक तो वो खेलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जीवन का कोई निश्चित आय का स्रोत नहीं रह जाता और ऐसे में वो कोच के तौर पर अपने कैरियर को बना सके, इसलिए एक खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए आप ऐसा समझो कि कोई भी पूर्व चैंपियन होगा या कोच रहा होगा उसको हर जिला स्तर पर एक
खेल सेंटर सौंपा जाएगा जहां पर उसके अंडर सभी लोग ट्रेनिंग करेंगे। और ऐसे में एक नया पद सृजन होगा इस तरह के कोच का, और हर जिले स्तर पर होगा, तो जो खेल की प्रति साक्षरता है वो भी काफी बढ़ेगी और हम भी आगे आने वाले समय में चैंपियनों की उम्मीद कर सकेंगे कि भारत में भी चैंपियन निकल सके। निकलते हैं लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितने चीन और रशिया में निकलते हैं, तो हमारे यहां से भी वो निकल सके। तो हाल फिलहाल इन केंद्रों का संचालन या तो किसी एक पूर्व चैंपियन अथवा किसी कोच द्वारा किया जाएगा। खेलो इंडिया केंद्रों की देशव्यापी नेटवर्क का निर्माण करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के मौजूदा केंद्रों को KIC में परिवर्तित करना और योजना के अंतर्गत वित्तीय अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए एक पूर्व चैंपियन को भर्ती करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। खेलो इंडिया केंद्रों में 14 चिन्हित खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, तलवारबाजी, हॉकी, जूडो, नौकायन, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती आदि शामिल हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कम से कम 100 खेलो इंडिया केंद्र खोल लिए जाएंगे। खेलो इंडिया केंद्रों का संबंध किससे है? ये खेल मंत्रालय से, वर्तमान में खेल मंत्री हैं आपके किरण रिजिजू। खेलो इंडिया उनका ही एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जैसे कि आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया जो यूथ गेम हुए थे वो असम के गुवाहाटी में हुए थे, जबकि खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे पहला संस्करण हुआ था ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो आगे चलते हैं, तो खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की जाएगी। लक्ष्य है कि कम से कम 1000 पूरे देश में, कम से कम पूरे जिले में 1000 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स को डेवलप किया जा सके जहां पर लोग प्रशिक्षण दे सके और लोग प्रशिक्षण ले सके। अगली जानकारी है, मुकेश अंबानी ने वापस टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में आ गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में स्थान बना लिया है। अभी कल की न्यूज थी कि रिलायंस जो है ये विश्व की 150 अरब डॉलर कंप्लीट करने वाली, मार्केट कैप कंप्लीट करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है और उनकी शुद्ध संपत्ति $5.3 बिलियन से लेकर $64.6 बिलियन हो गई है, यानी कि 4.9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अंबानी सूची में 9वें स्थान पर है जो गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज से एक पायदान ऊपर है जो $64.5 बिलियन की संपत्ति के साथ 10वें नंबर पे थे, और हमेशा की तरह जेफ बेजोस अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। अगली जानकारी है, एक पुस्तक लिखी है मेघा मजूमदार ने। इस पुस्तक का शीर्षक है ए बर्निंग, ये उपन्यास है। इस पुस्तक में तीन पात्र लिए गए हैं, टॉमी आरिन, याया गैसी और झुंपा लहड़ी के जीवन के बारे में है जो फिल्म उद्योग में अपनी प्रसिद्धि पाते हैं और फिर एक मध्यम वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। यह पुस्तक को नोपप डबल डे पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया है। बस इतना ही याद रखना पर्याप्त रहेगा कि ए बर्निंग पुस्तक किसकी है, ये मेघा मजूमदार जी की पुस्तक है। इंडोनेशिया जो कि आपका ज्वालामुखी से भरा पड़ा है, तो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी रविवार को 2 बार फट गया जिसने आकाश में 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर ऊपर तक ऐश के बादल छा गए और दोनों विस्फोट लगभग 7 मिनट तक चले। 2010 में माउंट मेरापी का अंतिम प्रमुख विस्फोट हुआ था जिसके बाद से अब यह विस्फोट देखने को मिला है। और यहां से अब मैं बनाता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको बताना है कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो अक्सर फटता ही रहता है। आप कमेंट सेक्शन पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बता सकते हो। अगली जानकारी जब चलेंगे ये है न्यूज फटाफट में इंडोनेशिया के बारे में बात कर लेते हैं, माफी चाहूंगा। इंडोनेशिया जो है ये गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है। इसमें 17,508 द्वीप हैं और जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी जकार्ता है। वर्तमान समय में इसके राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और जो राजधानी है वो जकार्ता है। इंडोनेशियाई रुपया यहाँ पर चलता है, जो भाषा चलती है वो इंडोनेशियाई चलती है। अब बारी है आज के हमारे न्यूज फटाफट की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया हम सभी ने। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन का जो विषय था वो था घर पर योग, परिवार के साथ योग। योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मनाने से पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। क्यों 21 जून को ही योग दिवस मनाते हैं? क्योंकि 21 जून का जो दिन होता है ये वर्ष में सबसे बड़ा दिन होता है हमारे गोलार्ध में, और वर्ष में सबसे दीर्घ दिन होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि योग के जरिए हम दीर्घ आयु प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से इसको इंडिकेशन करते हुए 21 जून को मनाया जाता है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी दिवस के प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है, यानी इतने कम समय में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था और इस वर्ष 21 जून 2020 को दुनिया भर में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दो बातें याद रखिए,
इसकी थीम क्या थी, घर पर योग, परिवार के साथ योग, कौन सा था, छठा था, और कब मनाया जाता है, 21 जून को। अगली जानकारी है 21 जून को इस योग दिवस के अलावा एक संगीत दिवस भी मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करना है ताकि लोग संगीत के प्रति प्रेम बनाए रखें, और मुझे नहीं लगता कि संगीत के प्रति प्रेम कभी किसी का कम हो सकता है। विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है म्यूजिक फेस्टिवल। विश्व संगीत दिवस की शुरुआत सन 1982 में फ्रांस में हुई थी, जिसका श्रेय तत्कालिक सांस्कृतिक मंत्री श्री जैकलो को जाता है। 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। व्हाट इज हाइड्रोग्राफी? हाइड्रोग्राफी क्या होती है? हाइड्रोग्राफी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम झील, समुद्र या किसी भी जलीय बॉडी का या किसी भी एक्वेटिक बॉडी का हम अध्ययन करते हैं, और ये देखते हैं कि किस तरीके से उसमें नेविगेशन किया जा सकता है या किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर अध्ययन की जाती हैं, उसकी गहराई कितनी है, उसमें पानी कितना, सैलिनिटी है, ये सारा का सारा जो अध्ययन होता है ये हाइड्रोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाया जाता है। 21 जून को विश्व स्तर पर मनाते हैं, और इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी 2020 का विषय है हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का दसवां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? तो वह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किसको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन। भारत से किसको आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पुरुष के पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? वो है निकी पूनाचा। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हाल ही में हाथी का 50 लाख से अधिक पुराना जीवाश्म मिला है? सहारनपुर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस देश के लिए रवाना हुए हैं? तो रशिया के लिए। वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध की वर्षगांठ मनाई जा रही है 24 जून को। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूरे देश में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर खोलने का फैसला किया है? तो 1100 इस साल खोले जाएंगे। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? तो ये 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ए बर्निंग टॉमी ऑरेंज, याया गैसी और झुंपा लाहिड़ी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ये मेघा मजूमदार के ऊपर लिखी गई है, मेघा मजूमदार द्वारा लिखी गई है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो अभी फट गया वो कहां पर है? वो इंडोनेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय है घर पर योग, परिवार के साथ योग। कब मनाया जाता है? 21 जून को। प्रत्येक वर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? यह भी आपका 21 जून को मनाया जाता है। अब बारी है आज के क्विज की। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का दसवां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? तो वो है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किसको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन। भारत से किसको आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पुरुष में एक पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वो है निकी पूनाचा। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हाल ही में हाथी का 50 लाख साल से भी अधिक पुराने जबड़े का जीवाश्म मिला है? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 दिवसीय यात्रा के लिए किस देश के लिए रवाना हुए हैं? तो हाल फिलहाल वो रशिया की यात्रा पर है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूरे देश में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया सेंटर्स को स्थापित करने का फैसला लिया है? तो 1000 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो वो 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ए बर्निंग एक पुस्तक है टॉमी ऑरेंज, याया गैसी और झुंपा लाहिड़ी के जीवन पर आधारित ये उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? मेघा मजूमदार द्वारा। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहां है? ये भी संडे को 2 बार फटा, इंडोनेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो विषय है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। प्रत्येक वर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और विश्व हाइड्रोग्राफी प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? यह भी आपका 21 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए नहीं रखता हूं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।